नमस्कार दोस्तों, मैं देव आज आपको विज़िट कराऊंगा बेलूर मठ। बेलूर मठ जो कि दक्षिणेश्वरी टेंपल के पास है, यानी कि आधे घंटे का डिस्टेंस वहाँ से है। लेकिन आज जो रास्ता मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए काफ़ी छोटा भी रहेगा और काफ़ी एंजॉय भी आपको उस रास्ते पर महसूस होगा। जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, इसको आप शिप भी बोल सकते हैं या लॉन्च भी बोल सकते हैं या पानी की बोट भी बोल सकते हैं। तो बोट से ही थोड़ा बड़ा है और इसमें आपकी ज़्यादा किराया नहीं है, सिर्फ 11 रुपये एक परसेंट का किराया लगता है। तो पानी के माध्यम से आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट का डिस्टेंस लगेगा, क्योंकि पहले जो बोट चलती थी वो ऑटोमेटिक नहीं थी। लेकिन अब ये जो शिप आप देख रहे हैं, जो पानी का आप ये छोटी बोट देख रहे हैं, जहाज देख रहे हैं, इसमें आपको मोटर वाला इसमें सिस्टम है, तो काफ़ी जल्दी और काफ़ी कम समय में ही आपको वहाँ पहुँचा देता है। और इसके साथ साथ आपको कुछ यहाँ पर एक रिफ्रेशमेंट भी मिलती रहेगी, जैसा कि अंदर कुछ खाने पीने का सामान भी मिल जाएगा और यहाँ पर भजन कीर्तन भी चलता रहता है, जैसा आप इसमें देख रहे हैं। जैसा आपने अभी देखा कि शिप के अंदर काफ़ी मतलब एन्जॉयमेंट भी है, भजन कीर्तन चलता रहता है। और ये सामने आप देख रहे हैं कि हम बस पहुंच ही गए हैं किनारे पर, यानी ये जो एक किनारा है, ये जो एक छोर है, यहाँ पर ही जितने भी शिप हैं बेलूर मठ के लिए वो यहीं पर रुकते हैं। और सामने आप देख रहे हो ये बेलूर मठ, यहाँ से आपका 2 या 5 मिनट का मान लीजिए पैदल का डिस्टेंस है बेलूर मठ। जैसे कि आप देखेंगे तो इसके साइड से नदी जा रही है, किसी नदी से हम अभी आए हैं। तो ये एक मठ है जो कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा, काफ़ी इसके आसपास हरियाली, फूल, पेड़ पौधे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पर जब आएंगे तो सामने जूता स्टैंड भी है, जूता स्टैंड पे आप अपना शूज़ या बैग जमा करके अंदर जा सकते हैं मठ के अंदर। और अगर आप देखें कि आपको शूज़ उतारने के लिए अगर वो स्टैंड नज़र नहीं आया, शूज़ स्टैंड, तो आप अगर मठ के सामने सीढ़ियों के पास, स्टेयर्स के पास भी अपने शूज़ रख देते हैं, तो यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपके शूज़ जैसे होता है ना कि चोरी हो जाएंगे या फिर कहीं गायब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक गार्ड भी वहाँ पे सामने खड़ा रहता है, तो आपकी चीज़ों की यहाँ पर पूरी सेफ्टी है। वैसे मठ के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हद तक मैंने कोशिश की है यहाँ वीडियो कैप्चर करने की। तो ये मठ के अंदर से है बिल्कुल, ये आसपास इसके फूल और ये मठ की दीवारें, काफ़ी फेमस है ये और काफ़ी खूबसूरत चीज़ों में एक गिनती होती है बेलूर मठ की। कोलकाता के अंदर जो अट्रैक्शन के पॉइंट हैं उसमें आपका बेलूर मठ भी इंक्लूड है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि ये मठ है तो यहाँ पर पूजा पाठ किसी और तरीके से होती होगी। यहाँ भी स्वामी विवेकानंद आते थे पूजा पाठ के लिए, अपना समय यहाँ पर काफ़ी बिताते थे। और इसमें भी जैसे काली पूजा के टाइम पर या वैसे शाम को आप देखें तो काली माता की आरती भी होती है। और ये जो आप देख रहे हो सामने, वापसी के लिए भी आपको यहीं से ये बोट या ये शिप लेना पड़ता है, यहाँ से भी सेम आपका किराया है। हर आधे घंटे में ये बोट आपको अवेलेबल